बस बस मेरी जर्नी बहुत बड़ा ऊपर का है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि कंगना मैम ऑलवेज मुझे कभी डांटा नहीं, हमेशा पॉजिटिव रही है और एकता मैम से मुझे ईमेल आई लव यू मिला था जो मैंने अभी भी करना है। तो मेरी जर्नी बहुत बैड एस और अत्याचारी रही है करना। जैसे इस जेल का टाइटल था तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है। मेरा सबसे स्पेशल और बेस्ट मोमेंट तब था जब एकता मैम ने मुझे ईगल आई पहनाया, क्योंकि मैं कभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिली नहीं हूँ अपनी लाइफ में। तो कंगना मैम को भी देखना और एकता मैम को भी देखना और एकता मैम से जो ईगल लॉकेट खुलाई थी उसी दिन मुझे विनर वाली ज़्यादातर लोग छोटी हाइट वालों को कमज़ोर समझते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, और मैंने आई थिंक ये सब जो जो किया है और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, छोटी हाइट की लड़कियों को लगता है वो इंडस्ट्री में आगे नहीं चल सकती क्योंकि उनकी हाइट कम है। तो आई थिंक मैंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है सबको कि लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। मैं आपकी फिजिकल वायलेंस मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ, दूसरे दिन मैं खुश रहकर वापस बैक टू नॉर्मल हूँ। तो आई थिंक मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है। मोबाइल जो भी मैसेज लोगों ने मोबाइल तो हम बात थोड़ा पीछे डांस शो से ये शो काफ़ी अलग है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? डांस शो में मैं सबसे पहले निकाल दिया गया था क्योंकि ऑब्वियसली मैं बैडेस हूँ, इतनी बैडेस के लिए लोगों से बर्दाश्त नहीं हूँ वहाँ पे। तो ये शो मेरे लिए परफेक्ट था जहाँ पर पब्लिक वोटिंग्स भी थी, जहाँ पर मुझे हाईएस्ट वोटिंग्स भी आई और मैं बहुत बार सेव हुई। तो ये परफेक्ट था क्योंकि मैं बैडेस हूँ और लोगों ने मेरे बैडेस के लिए वोट किया। वहाँ पे पब्लिक वोटिंग्स में थी जो कंटेस्टेंट्स होते थे उनमें वोटिंग होती थी, तो ऑब्वियसली वो सबको बजाने में ज़्यादा मज़ा आता है तो वहाँ पे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और यहाँ पे लोगों को पसंद आता है। फ्लर्टिंग की तो क्या उसको लेके आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा बाहर आप आके किसके साथ दोस्ती रखना चाहते हो, किसके साथ नहीं? बाहर से पहले भी शुभम मेरा दोस्त था और आई थिंक शो के बाद भी मेरा शुभम दोस्त होगा। साइशा, अली, मुनव्वर, अंजलि, सबके साथ मैं दोस्ती रखूँगी क्योंकि मैंने जो पहले डैमेज किया था वो मैंने बहुत लास्ट डेज में रिकवर कर लिया था। तो आई थिंक मेरी सबके साथ अच्छी दोस्ती रहेगी। क्या प्लानिंग है आपकी, कोई क्या करने का इरादा है? इतनी बड़ी शो से आपको इतना बड़ा प्यार मिला है, व्हाट इज द प्लानिंग फर्दर? जो भी होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, मैं सारी उम्मीदें रखती हूँ। क्या आपकी और जिशान की दोस्ती हम देख पाएंगे फिर से?